देखे कि हाँ लोग आके नारा लगा रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन भी चल रही है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, अगर आप सुबह के टाइम आएंगे तो यहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं अपनी किताबों से, वो कलरिंग बुक्स में कलर करते हैं। संजीव सत मीन्स अपनी चौपाल, जो एक चौपाल का कॉन्सेप्ट जो हमारे गाँव में था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया था, तो हम चाहते थे कि उसको फिर से किसी तरीके से रेजुविनेट किया जाए, उसको वापस लेके आया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलोक बढ़िया, और इन दिनों हम है देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे पूरे देश भर में किसान आंदोलन को लेकर हाई बनी हुई है। अभी हम जो है गाजीपुर जो बॉर्डर है यहाँ पे है, और सांझी सत्य है यानी कि लाइब्रेरी है यहाँ पे। बातें करने वाले हैं कि क्या कुछ, कब से लाइब्रेरी बनी हुई है, किन लोगों के लिए है, और अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम अर्शदीप कौर है। कहाँ से आप? मैं बैंगलोर से हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर। ओके, यहाँ पे क्या कुछ जो लाइब्रेरी लगी हुई है, क्या इसका मुद्दा है? अगर हम कहीं भी जाएं, कोई आंदोलन हो, कोई भी कुछ भी चल रहा हो, हमारी जैसे शिक्षा मंडली है, हम उसे स्ट्रॉन्ग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि शिक्षा से इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस आंदोलन का लोग यूं ही ना देखे कि हाँ लोग आके नारा लगा रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन भी चल रही है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, अगर आप सुबह के टाइम आएंगे तो यहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं अपनी किताबों से, वो कलरिंग बुक्स में कलर करते हैं। तो ये जो एजुकेशन है, यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बूढ़े लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन का जो रोल है वो हम कभी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइमिंग क्या है और कैसे लोग यहाँ पे कैसे बैठ सकते हैं? देखिए अभी यहाँ पे जैसे हमारे पास बहुत सारी किताबें, आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें हैं, पंजाबी में, इंग्लिश में, हिंदी में, एक आध इधर उधर की लैंग्वेजेस में भी हैं, इधर जो हमारी नॉर्मल लोकल लैंग्वेजेस हो गई उसमें भी कुछ किताबें हैं। तो जिसको भी यहाँ पे पढ़ना होता है ये साथ पूरे टाइम चलती रहती है। अब जो लोग नहीं पढ़ पाते उनके लिए हमने क्या करा, हम उन्हें मूवी दिखा रहे हैं, उन्हें ऑडियो विजुअल दिखा रहे हैं ताकि उनको समझ में आए, जिसको जैसे पढ़ना है जहाँ पढ़ना है वो पढ़ सकते। अब एक युवा है, किसान आंदोलन चल रही है, 58 दिन के आसपास हो गए हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं क्योंकि युवा ऊर्जा वाली जब बात करते हैं? हाँ जी, देखिए शुरू में तो जब हम इस आंदोलन में, ये शुरू हुआ था आंदोलन, तो हमारे बुजुर्गों का, हमारे किसानों का बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था यहाँ पे। पर बाद में हमने देखा कि जो हमारा युवा है वो उनसे इंस्पिरेशन ले रहा है, हमारे बुजुर्गों से इंस्पिरेशन ले रहा है, हमारे किसानों से इंस्पिरेशन ले रहा है कि जब वो आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो जो कहते हैं ना कि हाँ हमारा युवा कहीं किसी अंधी चीज़ के पीछे चले जा रहा है, हमारा युवा मतलब उसका कोई पाथ नहीं है, कहीं पे भी चले जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके देखिए हमारा युवा इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है, इतना ज़्यादा उसके पास हाँ एक वो है कि हाँ मुझे ये सेवा करनी है, मुझे ये सेवा करनी है। कोई कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे भी चले जा रहा है, सबके पास एक मोटिव है, सबके पास एक गोल है, सेवा भाव है सब में, सब सेवा कर रहे हैं सब युवा। जो अगर आप देखेंगे स्पेशली युवा, अब जो लोग, जो बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते हैं काम, वो कौन कर रहा, हमारे युवा कर रहे हैं। हमारे युवा का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है यहाँ पे, और हम बहुत शुक्र मनाते हैं कि इतने युवा आए हैं, और उम्मीद करेंगे और आए। लगातार लोगों को बुला रही है, किसानों को बुला रही है, लेकिन निष्कर्ष नाम पे नहीं हो रहा है। आपको क्या संदेश है मोदी जी को लेकर भी, क्योंकि आंदोलन की जब बात आती है तो इतने दिन हो गए हैं, कृषि संशोधन वाली जो बात है या वापस लेने की बात है इस बिल? देखिए मोदी जी को या फिर जो हमारी सरकार है इस समय मुझे, हमें उनका बस सारे किसानों की तरफ से, सारे जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, अलग अलग बॉर्डरों पे जो लोग आए हैं उनसे, उनकी तरफ से यही हमारा संदेश है कि सरकार जो है, सरकार हो गई हमारी, जो जुडिशरी हमारा एपिक्स कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, वो जो है वो मतलब देखें कि हाँ हमारे किसान यहाँ पे आए हैं, हमारे किसान आगुओं से बात करें, और ऐसी मतलब बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द किसी निष्कर्ष पे हम पहुँच जाएंगे, और हमारा जो है किसान, जो हमारे भाई यहाँ पे आए हैं, बहनें जो यहाँ पे आए हैं, वहाँ से खुशी खुशी जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं और ये हम संदेश देते हैं। आप लोग कैसे संपर्क रखते हैं फैमिली से, दूर बहुत छोटे छोटे बच्चे भी? हाँ जी हाँ जी, संपर्क कैसे हो रहे हैं? देखिए संपर्क तो यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं हूँ यहाँ पे, आप किसी को भी देखेंगे यहाँ पे, मैं कोई भी बुजुर्ग है वो मेरे पापा जैसे हैं, कोई भी माता है वो मेरी मम्मी जैसी हैं, और यहाँ पे प्यार भी सब उतना ही देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ आपको लगेगा कि आप घर पे नहीं हैं। मैं यहाँ पे आई थी पहले भी, फिर मुझे एग्जाम के लिए घर जाना पड़ गया था, तो मुझे यहाँ की याद आ रही थी कि हाँ मुझे मम्मी, मुझे वहाँ पे वापस जाना है, तो मैं फिर यहाँ पे वापस आई। तो आप इससे ये मतलब निष्कर्ष बना सकते हैं कि यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ की ज़्यादा याद आती है, यहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है जो लोग सेवा कर रहे हैं, और बाकी भी जो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। तो बस फ़ोन सहारा है, अगर कभी कभी वैसे तो घर की याद नहीं आती यहाँ पे इतने अच्छे माहौल में, याद आती है तो हाँ फ़ोन कर लेते हैं। आप बुजुर्गों को देखेंगे वो अपने घर पे वीडियो कॉल करते हैं अपने नाती पोतों को, तो बस यही हाल है बस। चलिए बहुत शुक्रिया। युवा जो है आंदोलन से जुड़े रहे, हमने जैसे बातें की है, यहाँ पे जो बुजुर्ग भी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है अलग जो आर्ट फॉर्म में है यहाँ पे कुछ लोगों से, और हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट रामपुर से, यूपी से हैं। क्या अभी पढ़ रहे हैं आप? ये सिख शहीदी के जो
शहीद उधम सिंह हुए हैं, शहीद भगत सिंह हुए हैं, उनके बारे में लेख है, ये किताब है। हाँ, पंजाबी पढ़ते हैं। अभी जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, आंदोलन चल रही है, इस पर आपका एकदम छोटा सा व्यू। देखिए ऐसा, हम जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। ये जंग जीतेंगे। किसान खड़ा हो गया है पूरे हर क्षेत्र से। जो ये सरकार कह रही थी कि खाली पंजाब का और हरियाणा का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, हर प्रदेश से है, हर जगह से है, तो सब लोग चल पड़े हैं, आप देख ही रहे हो। तो ये जन आंदोलन है, ये जंग जीती जाएगी। मोदी सरकार को हारना है, आज हार जाए, महीने में हार जाए, हम जंग जीत जाए। जन आंदोलन है, और इस आंदोलन में जो है बेहतर रूप देने के लिए अलग अलग जो चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ बन रहा है, हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। क्या बना रही हैं आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवती कौर है। ये गुरु नानक देव जी की फ़ोटो बना रही हूँ मैं, सबको प्रेरित करने के लिए कि मतलब कि यहाँ पे आएँ और अपना योगदान दें। मतलब आर्ट फॉर्म कब से बना रही है? एजुकेशन आपका क्या कुछ है? मैं बीकॉम सेकंड ईयर कर रही हूँ अभी, ये हापुड़ गाजियाबाद से। लाइब्रेरी के पास हम थे, और यहाँ जो है लाइब्रेरी वाली जो थीम है, इसको लाने में किसका योगदान जी? उसमें हम जब हम यहाँ पर आए थे तो हम चाह रहे थे कि यूथ की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, तो हमारी जो यहाँ पर कमेटी बनी हुई है उनसे कोई बात हुई इस बारे में, तो वो भी विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए इसके बारे में। तो हर्फ चीमा जी जो है एक सिंगर, जो अपने काफ़ी नामी सिंगर हैं, तो उनके साथ ये बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि दूसरी जो बॉर्डर हैं उन पर संजी सत बनी हुई है, सांची सत इन द सेंस लाइब्रेरी बनी हुई है, तो उसमें शाम को डिस्कशंस भी होते हैं, तो आप ऐसा कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने हमें कुछ भाइयों से मिलाया जिनसे हमारी मीटिंग हुई, तो उसके बाद हमने सोचा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, और अगर हम उस आइडिया को यहाँ पर लाते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि हम चाहते थे कि यूथ की एनर्जी कहीं ना कहीं चैनलाइज हो प्रॉपर वे में। तो जब हम यहाँ पर बुक्स का योगदान किया गया कई सारे लोगों के द्वारा, और ये जो सेटअप था, ये सब सेटअप जब तैयार हुआ, उसके बाद सुबह जो है हम वाईफाई प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो जो वाईफाई है, किसी को बुक्स डाउनलोड करनी है, एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है या होमवर्क करना है तो वो कर सकते हैं, अगर उनको वाईफाई में दिक्कत आ रही है। हमें बहुत से बच्चे हम देखे हैं प्रॉपर ड्राइंग के साथ में, जो आर्ट वाली फॉर्म एजुकेशन के साथ। हाँ जी, हाँ जी। कैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं जुड़े? देखिए, कोई भी बच्चे जिनके पेरेंट्स यहाँ पर उनको छोड़ के जाएँ, वो हम बच्चे ये नहीं देखते कि वो किसान आंदोलन में से या बाहर में। अब पेरेंट्स के साथ क्यों? क्योंकि हमें सुनने में आया था कि दूसरे बॉर्डर्स पे दिक्कत ये हुई थी कि कई बार बच्चा लापता हो जाता है, तो बच्चे की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा चीज़ है, और जितना सेंसिटिव ये आंदोलन है हम नहीं चाहते इसमें कुछ इशू हो, तो इसलिए हमने उन बच्चों को यहाँ रखा था। तो यहाँ पर बच्चे ड्राइंग करते हैं, होमवर्क करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, तो जो भी यहाँ फ्री होते हैं अपने वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर सब उनको करते हैं, और जो हमारे वॉलंटियर हैं यहाँ पर वो इतना प्यारा करते हैं, वो उनको पेंटिंग्स को यहाँ चिपका के, एक उधर पेंटिंग्स को सब चिपका के। हमने देखा कि हर वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पे, बच्चे से लेकर सभी लोग हैं। हाँ जी। किताबों को लेकर कैसे, किस किस भाषा से लेकर? देखिए, ये तीनों भाषाओं में मिलेगी हमारा, हिंदी, अंग्रेजी और गुरुमुखी, तीनों भाषाओं में मिलेगी, और आपको यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी से लेके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके बाद कबीर जी की भी किताबें मिलेंगी, तो आपको हर तरीके की हमने कोशिश की गई है यहाँ पर वैरायटी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर शाम को सांझी सत चौपाल लगती थी। इसका मतलब क्या है सांझी सत? सांझी सत मीन्स अपनी चौपाल, जो एक चौपाल का कॉन्सेप्ट जो हमारे गाँव में था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया था, तो हम चाहते थे कि उसको फिर से किसी तरीके से रेजुविनेट किया जाए, उसको वापस लेके आया जाए। तो यहाँ पर जो हमारे भाई हैं किसान भाई, वो यहाँ पर शाम को इकट्ठे होते हैं, तो उनको एक टॉपिक दिया जाता था जिस पे वो बात करते थे। और हमने सुना कि यहाँ पे फिल्में भी, जैसे बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन नहीं ले पाते, फिल्में भी दिखाई जा रही है। अभी हम मुंशी प्रेमचंद जी से लेकर जो है संविधान की बात की है, लॉ की स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ जी, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ सेंट जोसेफ्स बैंगलोर से, और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे जो कृषि बिल को लेकर अलग अलग लोगों के बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, छोटे रूप में प्रॉपर जो है किसान, सरकार बोल रही है कि उसके पक्ष में है, किसानों के हित के लिए किसान आंदोलन कर रही है क्योंकि उनके हित में नहीं है। हाँ, देखिए, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि इसकी ये जो आंदोलन आया है ये नहीं है कि ये आज ही उभर के आया है, जो अपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म से जो सरकार भी मानती है और किसान भी मानते हैं कि ये बहुत टाइम से हमें
रिफॉर्म्स चाहिए थे, पर इसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी का तरीके से इसकी जड़ कमज़ोर है। जड़ कैसे कमज़ोर है, क्योंकि अगर हम भारत का संविधान देखते हैं तो सबसे पहले ऑर्डिनेंस जो है वो किन किन स्थितियों में लाया जा सकता है, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों तभी आप उसको लेके आएंगे ऑर्डिनेंस को। इस कंडीशन में कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं थी कि हमारा इन बिलों को लाया जाता। उसके बाद जिस तरीके से पास हुए, वॉइस वोट जो हुआ उस पर क्वेश्चन उठाए गए, और उसके बाद जो अपना था, अपने भारत के संविधान में तीन लिस्टें होती हैं, सबसे पहले होती है यूनियन लिस्ट, फिर होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो एग्रीकल्चर है वो अपना स्टेट का सब्जेक्ट है, लिस्ट टू का सब्जेक्ट है, जबकि ये जो अपने कानून बनाए गए हैं ये लिस्ट थ्री कॉन्करेंट लिस्ट में बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर पे कभी भी सेंटर कानून बना ही नहीं सकता है, और जब सरकार कह रही है कि हमने ये व्यापारियों के लिए बनाया गया है ट्रेड एंड कॉमर्स, तो आप फिर इसको कृषि कानून या किसानों के लिए कानून आप बता बता के क्यों इस पे वाहवाही ले रहे हैं। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है। एक युवा है और किसान युवा रोजगार को लेकर भी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है लगातार कहती है कि बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो ना खुशी है सभी ओर से देख रही है। आप पर्सनली जो होप है यूथ को लेकर, किसानों को लेकर, सीधा पीएम के नाम सुन लिया। देखिए, पीएम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हमारी जो ये प्रोटेस्ट है ये हमारी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये हमारे देश के खिलाफ नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी जो है ये इन तीन कानूनों के खिलाफ है। ये आप सबको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम खुद अपने देश के प्रधानमंत्री से ये चीज़ें मांगने आए हैं, वो ही ये बिल वापस लेंगे, और हमें पूरी आशा है इस चीज़ को लेके। और हम बस ये चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मेरी स्पीच देखें, ये मेरा इंटरव्यू देखें, तो मैं चाहती हूँ कि सर हमें आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, आप इन बिलों को जल्दी से जल्दी वापस लीजिए, ताकि ये जो देश का लोग हैं, ये जो अपने देश का यूथ है, किसान है, ये वापस जाए और देश की तरक्की के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया गौर जी ने हमें जो है स्पष्ट रूप से बातें कही। लॉ की स्टूडेंट है, और बहुत सारी जो बातें हैं आप सबके लिए भी, युवाओं के लिए भी, समझ के लिए पूरे हमने स्टोरी दिखाई द लोक मीडिया के माध्यम से। देखते रहिए अधिक अपडेट के लिए द लोक मीडिया, सूरज तेज के साथ दिल्ली में।